नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश वर्माले आज फिर एक नई वीडियो के साथ। और आज का ये वीडियो राजस्थान पत्रिका की एग्ज़ाम गाइड है। आज दिनांक 31 मई 2018। और यदि आप रोज़ाना इस तरह के 10 प्रश्न अपने यूट्यूब चैनल पर पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और ये प्रश्न आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के अनुसार कौन से शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो शहर है इंदौर, मध्य प्रदेश का शहर इंदौर। हाल ही में किस जीव पर किए गए परीक्षण में याददाश्त के सफल प्रत्यारोपण किया गया? तो वो है गोंगा। WHO ने 2023 तक खाद्य पदार्थों से ट्रांस फैट एसिड समाप्ति हेतु किस नाम से अभियान प्रारंभ किया है? रिप्लेस। RBI ने एक RTI के तहत किस बैंक के घोटाले से जुड़ी निरीक्षण रिपोर्ट को साझा करने से इनकार किया है? पंजाब नेशनल बैंक। नीरव मोदी से संबंधित ये घोटाले से। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री पर देश छोड़ने पर रोक लगाई गई है? तो वो प्रधानमंत्री हैं मलेशिया के। राजस्थान में सल्फ्यूरिक एसिड का प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो अलवर। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो सोशलिस्ट पार्टी। निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? तो फैज अहमद फैज ने। किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद के गठन की शक्ति प्रदान की गई? तो 69वां संविधान संशोधन। बाग में दीमक से बचाव हेतु तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो नीम की खली का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, ये थी आज की राजस्थान पत्रिका की एग्ज़ाम गाइड। ये 10 प्रश्न आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको रोज़ाना इस तरह के 10 प्रश्न मिलते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।